गाइज वेलकम टू एजम ब्लॉग। एक बार फिर तुहाडा मेरे ब्लॉग दे विच स्वागत है। तो हुण सवेर दे 1:30 बज चुके ने ते मैं हुण उठ चुका ते नाले हुण दुध लैके आना है। दुध लैण तों बाद की कहिंदे है उहनूं गर्म करांगा ते नाल कारपेंटर्स भी आ चुके ने ते उह अपना काम शुरू करता उहनां ने। ते बाकी देखो हुण जे कोई समान समून लिआउणा ते फिर समान भी देखना पैणा मैनूं। चलो तुहानूं मिलदे हां, दुध लिआवां पहिलां मैं। हुण गाइज निकल चुका वां दुध लैण वास्ते। अज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, बदल भी है, विच विच धुप भी निकली हुई है। प्रॉपर धुप नहीं हैगी है तो हम ठंड शुरू हो चुकी है। फिर मैं दुध लैके दैन उस तो बाद की कहते हैं माड़े किल लैके आने तो उन्होंने किल लिया के देने। देख सकते दुध डोलू हाँ जी। तो गाइस फाइनली दुध मैं मिल चुका है, मेरा रखा पिया से इन्होंने। तो हूँ मैं चलना घर, आ देख सकते हो दुध पा चुका वा मैं। तो हम घर जाके उन्होंने गर्म करना है, गर्म करने तो बाद समान लेके आना, फिर तुम मिलते हैं। हाँ तुम देख सकते हो साढ़े महल का स्कूल एस डी फुलर बंद। इधर भी काम शुरू हो चुका है, फिर तो कटिंग करनी शुरू करती है इन्होंने। तो अज तो एक ही रह गया बस कपबोर्ड, उस तो बाद फिनिशिंग ही देनी है। दैन उस तो बाद उपर वाला काम शुरू हो जाना। तो हुण मैं दुध गर्म करांगा, दुध गर्म करके और फिर चाय बन रही है। ठीक है की कहते अपना हम मैंने एक कॉल आई सी, कोई कस्टमर ही सगा। एक्चुअली मैं प्रीवियस जोड़ा मेरा एक्सपीरियंस सारा हैगा वा ईकॉमर्स कंपनी का। तो वह कॉल आया सगा, उन्हें गलत ट्रांसफर करता किसी 10,000 रुपया। तो यह कोई सोल्यूशन तो है नहीं गा, बट फिर भी अगला कहता कि भी एक बार मिल लो मैनू, मैं उन्होंने बुलाया वा उत्थे मिलन चला। उन्होंने मैं देखते हैं जो कुछ वह सोल्यूशन निकलता, क्योंकि 10,000 उन्हें किसी भी पे करता उदा ही, पहला कितने पेमेंट की होनी तो उस तो बाद उन्हें उही पेमेंट जी पहले की उत्ते ही पे करता। तो उन्होंने मैं मिल के देखना जो वह हल हों। हाँ जी, फाइनली किसी तरह जुगाड़ कर कुर के बंदे का नंबर कट के वो लोकेशन कट के भाई ने भेजती, इन्होंने याद आ गया उनके भी कि लोकेशन सी। हम बंदा साढ़ा थोड़ा बिजी है, कस्टमर की शेव कर रहा है, बस फ्री होने लगा है। तो उस तो बाद दाढ़ी करानी है, दाढ़ी करा के फिर घर जाना। वेला हो चुका हूँ, मेरे को कुछ खास काम है नहीं गा। तो वो अपना लंच ते गए हुए ने, लंच टाइम है उन्होंने। तो हम देखते हैं की करना, समान मैं लिया उन्होंने। तो हूँ मैं एक काम आया से छोटा जहा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी करानी सी, फोटो कॉपी करा आया से आधार कार्ड की। हम मैं करा ली है, तो इतने देख सकते हो काफ़ी कलेरा पिया है। तो इतने डस्टबिन के पल फिटिंग चल रही है, इतने डस्टबिन रखना है, इसका साइज वगैरह नाप रहे हैं, उपर का बेस बनाया ना है। तो बाकी तुसी ड्रॉअर कंप्लीट हो ही चुके ने जिन्ने होने से, तो देख सकते हो सामने एक ड्रॉअर रह गया, वह भी हम लैके आ रहे हैं, इन्होंने कंप्लीट करता वह भी बाहर। तो आ दूसरा जरा लास्ट रह गया ड्रॉअर, यदि हम फिटिंग करूँगे। मेरे हिसाब से सारा कुछ होया ही पे, बस उन्हें उत्ते एंगल से ऊपर रखना। और ये एक दो और ये तीन, टन यह भी हम कंप्लीट हो गया।
बस एक रह गया डस्टबिन वाला। हाँ जी, तो थोड़ा जहा कपबोर्ड का समान घट गया सी, बोर्ड घट गए सी, हम मंगाए दोबारा बोर्ड, इनू हूँ अंदर लवाना है मैं। तो एक बोर्ड भारा ही बहुत है, इन्हें दो रखते आप अंदर, तो आह वाला वापिस करना सी, उन्हें गलत भेजता सी, वेट ही बहुत ज़्यादा है, कल्ले बंदे को तो चक्या ही नहीं जा सकता, मेरे को तो नहीं चक्या गया। जिम का टाइम फोन लग गया, बस एक घंटा रह गया, तो हम रेडी होना है, कपड़े वगैरह चेंज करा तो फिर जिम वास्ते निकलना है। जिम से अच्छा शायद ना बाइसेप तो ट्राइसेप लाने मैं, वो इदा है कि मैं 1.5 घंटे तो लग ही जाने हैं, दैन उस तो बाद शायद ना शाम को देखांगे कि गेड़ी गुड़ी ला के आवांगे, तो फिलहाल मैं जिम वास्ते रेडी होने लगा, तुहानू रेडी होकर मिलदा। जिम का टाइम हो चुका है, तो मैं रेडी हो चुका जिम वास्ते, तो अज बाइसेप ट्राइसेप जिमें जिमें ही मैं जिम वास्ते निकलन लगा, नाल ही मैनू पाया घर ने एक समान लिया कहता, हम समान लैके बस निकल आई हाँ दुकान तो, समान दे के फिर मैं जिम वास्ते निकल जाना है। आ देख सकते हो तुसी, दूसरी गल अपना की कहते हैं, जिम जावांगा रास्ते में बस फाटक ना बंद मिले मैनू, आही बस एक अरदास है रब नाल, क्योंकि फाटक बंद ही मिलता हमेशा। तो हम जरा समान मैं लेके आया उसने घर देता, तो मैं हम जिम वास्ते निकलन लगा, तो निकल ही चुका मतलब, तो हम बस फाटक खुला मिले, उस तो बाद जिम जाइए, नहीं तो फाटक ने 10-15 मिनट खराब कर देने हैं मेरे यार। वही गल हुई, फाटक बंद ही मिलता हमेशा, ना मैं थलो कड़न जोगा इनू, चलो हम वेट करिए तो फिर निकल दे अगे। आ देखो साढ़े जिम के छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी है, ऐसे 3 जने ने, चेक की मम्मी अजे है नहीं गई। तो जिम तो मैं फ्री हो चुका वा, तो हूँ घर वास्ते निकलिया, दैन एक ही घर जाके अपना शेक वगैरह पी के, दैन उस तो बाद एक काम जाना छोटा जहा, मुंडे का फोन आया सीगा, उन्होंने कोई काम से वो नाल जाना है, तो बाकी चलो देखते हैं। फाटक बंद फिर तो मिलेगा, मैं तो लगता एक तो जिम आने का चक्कर फाटक बो पैंदा है, तो देख लिया उही गल हुई जिस चीज़ का डर सी, फाटक फिर तो बंद मिलिया, इतने 10-15 मिनट वेस्ट करो, दैन उस तो बाद जाओ फिर। और की खाना खा के फ्री हो चुका वा, तो टाइम हो गया 10:30, तो इसी तरह अगले ब्लॉग के मिलेंगे, तो मैं होप करता तुहानू मेरा ब्लॉग वधिया लगा होवे, इनू लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करियो, तो इनू शेयर जरूर करियो ताकि मेरे व्यूज़ से सबसक्राइबर वध सकन, तो मैनू मोटिवेशन मिले।